दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो इसी वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करूँ या आपको कोई भी मैसेज सेंड करे, ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो कि उसको ये पता ना हो कि आपने उसका मैसेज रीड किया है या नहीं किया, ठीक है। तो दोस्तों ये सेटिंग आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है, एक मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। दूसरा भी दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने स्टाइलिश टेक्स मैसेज आप लोगों ने कैसे व्हाट्सएप में लिखना है और अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने कैसे उसको शेयर करना है और दोस्त आप लोगों ने कैसे इसको इम्प्रेस करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ एक बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई लर्न यू दैट हाउ यू कैन मेक स्टाइलिश टेक्स्ट इन व्हाट्सएप एंड सेंड टू फ्रेंड एंड इम्प्रेस देम एंड आल्सो हाउ टू डू सेटिंग दैट बाय विच सेंडर डो नॉट नो यू हैव रीड योर नॉट हिज हर मैसेज। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपने वो सेटिंग कैसे करना है कि फिर किसी को ये पता ना हो कि आपने उसका मैसेज रीड किया है या नहीं किया। दोस्तों सिंपल बात यही है कि इधर आप देख सकते हैं जो दो टिक मार्क आ जाते हैं ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आपने उस बंदे का मैसेज रीड किया है, ठीक है। तो उसको ये इस तरह की दो टिक मार्क चले जाएगा जब आप उसका मैसेज रीड करते हो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि उसको पता न चले कि आपने उसके मैसेज रीड किया है या नहीं, तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों ने कुछ सेटिंग करना है। उस सेटिंग करने के बाद दोस्तों जैसे वो आपको मैसेज सेंड करे दोस्तों, अगर आप उसका मैसेज रीड भी करें तो उसको जो है ना ये दो टाइप्स की दोस्तों ये जो टिक मार्क से वो उसको शो नहीं होगा। इधर आप देख सकते दोस्तों कि ये जो चार नंबर पे आते हैं दोस्तों, इसमें एक टिक मार्क है, ठीक है। तो दोस्तों जब आप किसी का मैसेज रीड भी करें तो उसको जो है ना इस तरह की एक टिक मार्क शो होगा, दो नहीं होगा, तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज रीड किया है या नहीं। दोस्तों इसके लिए आप लोगों ने सबसे जाना है पहले सेटिंग पे, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों ने प्राइवेसी पे क्लिक करना है। जैसे आप प्राइवेसी पे क्लिक कर दोस्तों, इसके बाद आप लोगों ने आना ही नीचे। तो इसको मैं ऑलरेडी ऐसे कर चुका हूँ दोस्तों कि किसी को अब पता नहीं चलता कि मैं किसी का मैसेज रीड करता हूँ या नहीं। तो एक्चुअली में ये इस तरह की होता है दोस्तों, रीड रिसेप्ट, ये वैसे इसमें ब्लू कलर की टिक मार्क होती है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने इसको डिसेबल करना है। जैसे आप इसको डिसेबल करें दोस्तों, तो फिर किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज रीड किया है या नहीं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद जो दूसरा सेटिंग है वो मैं अभी आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा जो सेटिंग है दोस्तों, तो उसमें आप लोगों ने ऐसे क्या करना है कि आप जो है ना जो भी मैसेज लिखते हो तो डिफरेंट स्टाइल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों ने जाना है गूगल पे, ठीक है। तो जैसे दोस्तों आप गूगल पे चले जाए तो इधर आप लोगों ने सर्च करना है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर, ठीक है, फैंसी टेक्स्ट जनरेटर इधर आ गया। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे आ गया दोस्तों, तो इसी पे आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसी पे क्लिक करें तो इधर ये जो ब्रैकेट है दोस्तों, इधर आप जो है ना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर आपने वही लिखना है जो आप किसी को सेंड करना चाहते हो, ठीक है, या किसी और जगह से आप जो है मैसेज कॉपी करके इधर आप पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वही मैसेज का डिफरेंट स्टाइल आपको नीचे शो होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ कि टेक्निकल जानान, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने इधर ये लिख लिया तो अभी आप नीचे देख सकते हैं कि यह डिफरेंट स्टाइल आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं
डिफरेंट कलर की बहुत सी स्टाइल है दोस्तों, इधर से आप कोई भी इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कॉपी करता हूँ, तो ये जो राइट साइड पे कोने पे लिखा हुआ की कॉपी, इसी पर आप लोगों ने जस्ट एक क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये हो गया कॉपी। इसी के बाद आप लोगों ने जाना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, उधर आप लोगों ने व्हाट्सएप को ऑन करना है, ठीक है, जिसको आप ये मैसेज सेंड करना चाहते हो तो आपने उस पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इधर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, लॉन्ग प्रेस किया, पेस्ट आ गया, इसको पेस्ट किया, इसको ओके किया, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि टेक्निकल जाना इधर सेंड हो गया। तो इसी तरह दोस्तों आप जो है ना किसी भी जगह से मैसेज कॉपी कर भी सकते हो, या उधर अगर आप लिखना चाहते हो तो इधर आप लिख भी सकते हो, ठीक है। जैसे आप उसको लिख लिए दोस्तों, तो इसी के बाद नीचे डिफरेंट स्टाइल आपको आएगा, आपने उधर से कॉपी करना है, फिर इसके बाद आप किसी को भी किसी भी जगह से सेंड कर सकते हो। तो ये दो ट्रैक्स थे दोस्तों आज के लिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने का, हम क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोगों से मिस ना हो, और इस सब्सक्राइब बटन के साथ जो है दोस्तों एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।